अस्सलाम वालेकुम, शेख अहमद सरहिंदी के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ में प्री पार्टीशन एरा से जो क्वेश्चन आते हैं ये उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शेख अहमद सरहिंदी 1564 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1624 में हुआ। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दद अलिफ सानी भी कहते हैं और बेसिकली 1564 में जब इनकी पैदाइश हुई उस वक्त अकबर का दौर चल रहा था और इनके इंतकाल के वक्त में जहांगीर का दौर चल रहा था। शेख अहमद सरहिंदी ने फ़िलासफ़ी, तफसीर और हदीस को भी पढ़ा है। ये एक बहुत फेमस इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने फ़र्स्ट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी। इस रिफॉर्म मूवमेंट का बेसिकली मकसद जो था वो मुसलमानों की सब कॉन्टीनेंट में आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना था। दरअसल जिस दौर में शेख अहमद सरहिंदी की पैदाइश हुई थी उस वक़्त जहांगीर और अकबर बहुत रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इंडल्ज थे। उन्होंने अपना दीन इलाही इस्टेब्लिश किया हुआ था जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे थे। लिहाजा शेख अहमद सरहिंदी ने फ़र्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसका मेन मकसद ये था कि मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफ़ ओवरव्यू दूं कि उस वक़्त सिचुएशन क्या थी बरे सगीर में, तो उस वक़्त जो सोसाइटी थी उसमें लोग बहुत ज़्यादा नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हुए हुए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक़्त कुरान की सुन्नत की तालीम पर पाबंदी थी। मुसलमान जो हैं वो अव्वल तो दीन इलाही को फॉलो कर रहे थे और जो मुसलमान कुरान सुन्नत सीखना भी चाहते थे तो उस वक़्त का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो कुरान सुन्नत के अगेंस्ट था। वहाँ पे कुरान की सुन्नत की तालीम बैन की गई थी, तो लिहाजा मुसलमान जो थे वहाँ पर बहुत नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस के ऊपर इंगेज थे। उसके अलावा वहाँ पर जो सेंट्स थे लोग उनके मिरेकल्स पे बहुत बिलीव करते थे, यानी किसी भी सूफ़ी का कुछ कहना, उसके कोई मिरेकल्स करना, लोग उनके ऊपर बहुत बिलीव रखते थे। मैं इसके बारे में आगे डिटेल से भी बात करूँगी, जिसकी वजह से लोगों में मिसगाइडेंस बहुत फैली थी और लोग जो हैं वो बेसिकली दीन इलाही से जो है वो करीब हो गए थे और कुरान सुन्नत से दूर होते जा रहे थे। इसके अलावा जो सुन्नत के ख़िलाफ़ प्रैक्टिसेस थी, यानी जो लोग हैं, ज़ाहिर है जब आप इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिसेस भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगी, यानी अकबर को सजदा करना और इस तरह की कई और प्रैक्टिसेस में वो इंगेज थे। अकबर ने उस वक़्त जैसा कि मैंने बताया अपना दीन इलाही इस्टेब्लिश किया हुआ था, यानी उसने अपना एक दीन खुद ही इस्टेब्लिश किया हुआ था और उसने उसको नाम दिया था दीन इलाही, जिसमें वो लोगों से कहता था कि वो उसको ज़िल्ले इलाही कह के बुलाएं, वो जो है वो सजदा करें उसके आगे और कुरान सुन्नत को फॉलो ना करें। तो जब आपका लीडर इस तरह की प्रैक्टिसेस में इंगेज होगा तो रियाया चाहते या ना चाहते हुए भी उन रूल्स को फॉलो करने पे मजबूर हो जाएगी जो उस वक़्त के लीडर ने इस्टेब्लिश किए होंगी, और वहाँ पर कुरान और सुन्नत की प्रैक्टिसेस जो थी वो उसने बैन कर दी थी। अब हम बात करते हैं कि मुजद्दद अलिफ सानी के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कि वो क्या उस वक़्त उनके कारनामे थे या वो क्या उनकी प्रैक्टिसेस थी जो वो करना चाहते थे। तो ऑब्जेक्टिव में मुजद्दद अलिफ सानी के सबसे पहले वो ये चाहते थे कि जो मुग़ल एम्पायर है वो उसके पॉलिटिकल सिस्टम को बेहतर करें, ठीक है, क्योंकि मुजद्दद, मैंने यहाँ पर ये कोट भी एक मेंशन की है, वो ये बिलीव करते थे कि इस्लाम जो है ये एक नेचुरल पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारे खुलफ़ाए राशिदीन ने हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम बताया हुआ है जिसको फॉलो करने से, ये हर टाइम में हर स्पेस में लागू होता है और इसको फॉलो करने से बेसिकली मुसलमान अपनी रूट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और मुजद्दद अलिफ सानी इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते थे कि अगर मुसलमान उरूज पे आना चाहते हैं, ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर रूल्स आपके एंटी इस्लामिक हों तो वहाँ पर इस्लामी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि ये इम्प्रूव करना चाहते थे पॉलिटिकल सिस्टम को उस वक़्त के जो मुग़ल एम्पायर्स थे उनके। मेन इनका सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि ये मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। बीइंग मुस्लिम, हम इस बात के ऊपर बिलीव रखते हैं कि मुसलमान अपनी आइडेंटिटी तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तभी वो एक पावर के तौर पर उभर के आ सकते हैं जब वो
قرآن کو اور سنت کو کبھی بھی نہ چھوڑیں اور اس کو ریلیجیسلی فالو کریں. لیکن مسلمان جب رانگ پریکٹسز میں انڈلج ہو گئے تو وہ قرآن سے سنت سے دور ہو گئے. ایسی تعلیمات انہوں نے اپنانی شروع کر دیں جو کہ شرک میں آتی تھیں یا جو اینٹی اسلامک تھیں. تو ظاہر ہے پھر آپ میں اور کسی ایک ہندو میں یا سکھ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا تھا. تو لہٰذا وہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. تھرڈ جو مین آبجیکٹیو تھا مجدد الف ثانی کا وہ یہ تھا کہ وہ صوفیزم کے اندر ریفارمز لانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, وہاں کے جو صوفیز کی پریکٹس تھی, صوفیز نے وہاں پہ ڈفرینٹ کنسیپٹس جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے لوگ بہت مس گائڈ ہوئے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ صوفیزم کے اندر ریفارمز لے کر آئیں تاکہ لوگ بیسیکلی ان صوفیز کی جو رانگ پریکٹسز ہیں اس سے بھی باہر نکلیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو فالو کرنا شروع کر دیں. ہم بات کریں گے مجدد الف ثانی کے کارناموں کے بارے میں کہ مجدد الف ثانی نے یہ جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں کہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنا, پولیٹیکل سسٹم میں ریفارمز لانا اور صوفیزم میں ریفارمز لانا, یہ انہوں نے کیسے اچیو کیے. مجدد الف ثانی نے اس وقت کئی لیٹرز جو ہیں وہ کئی اسلامک اسکالرس کو لکھے اور کئی پولیٹیکل لیڈرز کو لکھے, اکبر کو, جہانگیر کو, جس میں انہوں نے ان کے پولیٹیکل سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اسلامک جورس سے وہ ہیلپ لینا چاہ رہے تھے کہ ہم کس طرح سے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں. وہ اس لیے بھی اتنے ورڈ تھے کیونکہ اس وقت نہ صرف مسلمان اپنی روٹس سے دور جا رہے تھے, وہ اپنی آئیڈینٹی کو لوز کر رہے تھے, بلکہ اس وقت جو ہے وہاں پر بھکتی موومنٹ بھی بہت اسٹرانگ ہو رہی تھی. بھکتی موومنٹ کیا تھی؟ جو ریلیجیس ڈیواؤٹیز تھے, ہندو, سکھ, بیسیکلی مسلمانوں کی گروتھ پہ, اسلام کی گروتھ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ہندو اور سکھ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ آیا اس سوسائٹی میں اسلام پھیل تو نہیں رہا یا دین اسلام کے پریکٹسز کو کوئی عام تو نہیں کر رہا. اب آپ خود دیکھیں کہ ایک طرف تو لوگ خود مسلمان جو ہیں وہ خود اسلام سے دور جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہندو اور سکھ جو ہیں وہ بہت ایکٹیولی بھکتی موومنٹ کے تھرو مسلمانوں کا یا اسلام کا بڑھتا ہوا انفلوئنس جب اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی برصغیر میں وہ بہت پستی کا شکار تھی. اس کے بعد مولانا فرید خان کو بھی مجدد الف ثانی نے کئی لیٹرز لکھے جس میں بیسیکلی انہوں نے غور و فکر کے سوال پوچھے تھے. جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو مولانا فرید خان سے یہ پوچھا تھا کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے خلاف کانسپریسیز, سازشیں بنا رہے ہیں, یعنی بھکتی موومنٹ کے تھرو کسی طریقے سے ان کو زوال لانا چاہتے ہیں, ان کی گروتھ روکنا چاہتے ہیں, تو ایسے نان مسلمس کو مارنا کیا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ٹھیک ہے, دوسرا سوال وہ یہ کرتے ہیں مولانا فرید خان سے کہ وہ مسلمان خود جو کہ نان اسلامک پریکٹسز میں بلیو کرنے لگ گئے ہیں, جو دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کیا ان کو مارنا, ان کو سزا دینا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اور پھر وہ مسلمان جو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے اسلام کو فالو نہیں کر رہے کیونکہ اسلام از ان ڈینجر, ان کو یہ لگتا تھا کہ اسلام کو تو خود خطرہ ہے, تو ہم ایسے دین کو فالو کریں جو آگے چلنے والا ہے نعوذ باللہ, تو ایسے مسلمانوں کو مارنا وہ جائز ہے یا نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں غور سے تو بیسیکلی ان سوالات کے ذریعے وہ غور و فکر نظر آتی ہے, ہمیں پریشانی نظر آتی ہے کہ وہ انتہائی پریشان تھے مسلمانوں کی حالات کو لے کر اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ بھی کر کے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اسلامک ٹیچنگز کو واپس لے کے آیا جائے. اس کے بعد وحدت الوجود کا کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ. وحدت الوجود بیسیکلی جو اس وقت کے صوفیز تھے, جو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ صوفیز بیسیکلی وہاں پہ لوگوں کو مس گائڈ کر رہے تھے, وہ وجہ کیا تھی؟ صوفیز نے وہاں پر بیسیکلی ایک کانسیپٹ جنریٹ کر دیا تھا جس کا نام ہے وحدت الوجود. اب وحدت الوجود میں بیسیکلی وہ ان کا مین پوائنٹ کیا تھا یا اس کے امپورٹنٹ پوسچولیٹس کیا تھے, وہ یہ تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا میں اور اس کے کریٹر میں, بیسیکلی یعنی خدا میں اور اس کی مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مخلوق ہے بیسیکلی وہ خدا کا ہی سمبل ہے, یعنی چاہے وہ خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے یا وہ خدا ہے, وہ دراصل دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے, یہ خدائی کا ہی ایک سمبل ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے یا خدا کی عبادت کرے یا اس کے کریچر کی عبادت کرے, کوئی اس کی بنائی ہوئی چیز کی عبادت کرے,
तो वो दर हकीकत खुदा की ही इबादत हो गई। दोनों के अंदर बेसिकली कोई भी डिफरेंस नहीं बचता। देखें, सूफीज़म जो है उसके लेवल पे पहुंचना हर इंसान के बस की बात नहीं होती है, और जिस तरह की जो सूफीज़ बातें करते हैं, अगर वो इसी मायनों में ले जाया जाए जिस तरीके से बयान की जा रही हैं, तो डेफ़िनेटली फिर लोग मिसगाइडेड होंगे। और ऐसा ही हुआ उस वक़्त, लोगों ने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को यूँ लिया कि वो जो पत्थरों की, लोगों की, उनकी पूजा करने लग गए, वो लोगों को सजदा करने लग गए, और वो नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस में जो कि बिल्कुल शिर्क में आती हैं इस्लाम में, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, वहदतुल वजूद को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो मुजद्दिद अलिफ सानी जो थे वो ये देखते थे कि ये बेहद रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं और मुसलमान जो हैं वो बिल्कुल ही एक एंटी इस्लामिक फेथ को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने बेसिकली उस वक़्त वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट जेनरेट किया, लोगों को इकट्ठा किया, उनको वहदतुल शहूद के बारे में आगाह किया कि खुदा और उसकी मखलूक कभी बराबर नहीं हो सकती हैं। अगर कोई खुदा की इबादत करेगा तो ही वो अपने रब की पूजा कर सकता है। लोगों की पूजा करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ शिर्क है और इसका कोई और मतलब नहीं बनता है। तो लिहाजा उन्होंने वहदतुल शहूद का कॉन्सेप्ट जनरेट किया, लोगों को ये रियलाइज़ करवाना शुरू किया कि बेसिकली आप एंटी इस्लामिक फेथ और प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करें, क्रिएटर को फॉलो करना और उसकी मखलूक की इबादत करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम अब बात करेंगे मुजद्दिद अलिफ सानी के एफ़र्ट्स की कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स किन मेजर्स के थ्रू फॉलो किए और उनकी दीन इस्लाम के लिए क्या क्या खिदमात हैं। मुजद्दिद अलिफ सानी ने बेसिकली सबसे पहले तो मुसलमानों को इकट्ठा किया और उनमें कुरान की सुन्नत की तालीम को आम करना शुरू किया। हालांकि ये वहाँ पर बैन थी, लेकिन उन्होंने ये जिहाद शुरू किया कि वो मुसलमानों को इकट्ठा कर कर उन्हें हकीकी दीन इस्लाम से आगाह करते थे, वहाँ पर कुरान की सुन्नत की तालीम को देना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अलियुल एलान दीन इलाही को अपोज़ किया और लोगों को भी ये तजवीज़ दी कि आप दीन इलाही से दूर हो जाएं, क्योंकि ये महज शिर्क है और कुछ भी नहीं। इसके बाद उन्होंने उस वक़्त के जो लीडर थे, मुग़ल एम्पायर थे, जहांगीर को लेटर लिखे जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उनकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को और उनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि जो आप अपनी पॉलिसीज़ या लॉज बना रहे हैं वो टोटली नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस के ऊपर बिलीव करती हैं और आपकी पॉलिसीज़ और लॉज की वजह से ही मुसलमान जो हैं वो कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं कर पा रहे। आप ख़ुद सोचें कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी जगह, एक ऐसी रियासत जहाँ पर कुरान की सुन्नत की तालीम में पाबंदी हो, जैसे कि हम अभी भी कई फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं, वहाँ पर आप नमाज़ पढ़ नहीं सकते खुलम खुला, आप वहाँ पर हिजाब नहीं ले सकते, आपको वहाँ पर कई और रिलीजियस एक्टिविटीज़ के ऊपर पाबंदी फेस करनी पड़ती है। तो लिहाजा उन्होंने सबसे पहले जहांगीर को रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि जो उनकी पॉलिसीज़ और लॉज़ हैं वो एंटी इस्लामिक हैं। इसके बाद उन्होंने ना सिर्फ उनको क्रिटिसाइज़ किया बल्कि एक पॉलिटिकल सिस्टम भी जहांगीर के लिए तजवीज़ किया कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हुए आप बेसिकली ट्रू इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रख सकते हैं, जिसका सबसे अहम पॉइंट जो था वो ये था कि सेंट्रल अथॉरिटी शुड लिव एंड रूल ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स। यानी व्हाट डू आई मीन बाय सेंट्रल अथॉरिटी? द मैन इन पावर, द लीडर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को कुरान के और सुन्नत के मुताबिक गुजारेगा तो ही एक अच्छी रियासत, एक इस्लामी रियासत को हम पैदा कर सकते हैं। देखें, जब आपका लीडर ही बागी हो, जब आपका लीडर ही गलत प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो, तो रोल मॉडल होता है वो आपका। जैसे इब्न खल्दून कहते हैं कि लीडर की कुछ खसूसियात होती हैं, ठीक है, वो लीडर उन खसूसियात के ऊपर ही अपॉइंट किया जाना चाहिए कि उसको दीन की नॉलेज हो, उसमें जिहाद करने की एबिलिटी हो, वो बहादुर हो, काबिल हो, फिज़िकली मेंटली फ़िट हो, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप कोई ऐसा लीडर अपॉइंट करेंगे जो खुद दीन से बागी है, तो फिर ज़ाहिर है उसकी रियाया भी दीन से बागी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो सेंट्रल अथॉरिटी, जो पावर में बैठा हुआ इंसान, वो अपनी ज़िंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारेगा। सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक किताब जिसके ऊपर आपने वो पॉलिसीज़ और वो लॉज बनाए हैं जिनके ज़रिए आपने लोगों को, अपनी रियाया को ट्रीट करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुरान पे सुन्नत के ऊपर बेस्ड करता हो, ताकि आप फिर लोगों के अंदर इस्लामिक टीचिंग्स नेचुरली तौर पे फिर प्रोग्रेस करेंगी, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि
अगर आप यही दोनों चीज़ें ठीक कर लेना, सेंट्रल अथॉरिटी को कुरान सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही कुरान सुन्नत के मुताबिक आप बना लें तो भी लोग अपनी ज़िंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजार सकेंगे, इससे भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया वर्ड ज़िल्ले इलाही को, कि ज़िल्ले इलाही जो आप इस्तेमाल करवाते हैं अपने आप को, आपने जो खिताब दिया हुआ है ये बिल्कुल यूज़लेस है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। और उन्होंने उनको समझाने की भी कोशिश की कई खुलफ़े राशिदीन के एग्ज़ाम्पल्स दे के कि वो किस तरह से लोगों की खिदमत करते थे और किस तरह से उन्होंने एक सादी ज़िंदगी गुजारी। इसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उनके जो काबीना थी या जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको। देखें, जब लीडर के इर्द गिर्द की काबीना का इब्ने खलदून ही तरीका भी बताते हैं, हमारे खुलफ़े राशिदीन को अगर आप देखें तो जो उनके आसपास की काबीना थी उनको वो उन लोगों को चुनते थे जो के जो दीन से करीब होते थे, जिनके पास दीन की मालूमात होती थी, ताकि जहाँ पर लीडर को ज़रूरत पड़े रहनुमाई की या वो नाउज़ बिल्ला कोई गलत डिसीजन लेने जा रहा हो तो काबीना उनको बेसिकली सही रास्ता दिखाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अकबर ख़ुद भी अपने दीन से बागी था, प्लस काबीना जो थी वो भी बड़े लिबरल स्कॉलर्स थे, जो कि बजाय के रूल अपने रूलर को सीधा रास्ता दिखाते वो ख़ुद उसको जो है वो नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस के ऊपर उनको प्रीच करने का कहते थे। तो मुजद्दिद अलिफ सानी ने उनकी काबीना को भी बड़ा यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया कि आपको अपनी काबीना भी तब्दील कर लेनी चाहिए। मज़ीद वो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके अपने दौलत के ज़ाया करने को। देखें, मुग़लों के ज़वाल की एक मेन वजह यह भी थी कि मुसलमान जो थे वो इंतहाई ऐशो इशरत की ज़िंदगी में मुब्तला हो गए थे, अयाशी उन्होंने अपना ली थी और वो लग्जरी को टारगेट कर रहे थे। मुजद्दिद अलिफ सानी यहाँ पर ये कहते हैं कि आपके पास जो दौलत है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की बेहतरी के लिए और दीन इस्लाम के प्रेवलेंस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि अपनी ऐशो इशरत पे और शान शौकत के लिए। और मज़ीद वो उनको सजेस्ट ये करते हैं कि आप जो हैं वो इस्लामिक प्रैक्टिसेस को अपनाएं, अच्छे एट्रीब्यूट्स को अपनाएं, ताकि एक ट्रू इस्लामिक स्टेट की बुनियाद रखी जा सके। अब आप खुद देखें, यहाँ पर मुजद्दिद अलिफ सानी ने लोगों में कुरान सुन्नत को भी आम करने की कोशिश की। इसके अलावा वो उस वक़्त के मुग़ल एम्पायर को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि वो कहाँ पर गलत हैं, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे बल्कि उनको एक हल भी तजवीज़ कर रहे हैं कि आप सेंट्रल अथॉरिटी को कुरान सुन्नत के मुताबिक लाइफ गुजारनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लामिक फेथ के ऊपर बिलीव करता हो। साथ ही साथ वो उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि किस तरह से ज़िल्ले इलाही का वर्ड इस्तेमाल करना लोगों में एक मिसगाइडेंस फैला रहा है, किस तरह से काबीना जो है वो इस्लामिक फेथ पे होनी चाहिए, अपने जो दौलत खाना है उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये एक मुकम्मल उन्होंने एक बेसिकली एक रास्ता बनाने की कोशिश की थी मुसलमानों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन देखें, उस वक़्त फिर हुआ क्या, जब उनकी इतनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई कुरान सुन्नत की प्रेवलेंस के लिए और वो दीन इलाही को अपोज़ करने लग गए, तो जहांगीर ने फिर उन्हें अपने दरबार के अंदर बुलाया और जहांगीर बेसिकली मुजद्दिद अलिफ सानी से ये कहते हैं कि आप मुझे सजदा करें। लेकिन मुजद्दिद अलिफ सानी जो हैं वो वली अल्लाह, वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि मैं सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी को भी सजदा नहीं करूँगा। तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने मुजद्दिद अलिफ सानी को फोर्ट ऑफ गवाबर में, यानी गवाबर के किले में कैद कर दिया। ठीक है, अब मुजद्दिद अलिफ सानी देखें, उनके इतने कारनामे थे दीन की खिदमत के लिए कि वहाँ पर वो बड़ी ही गुड बुक्स में आते थे कई गवर्नर्स के। तो जहांगीर के भी कुछ गवर्नर्स जो मुजद्दिद अलिफ सानी को मानते थे, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे महबूब खान की और खुरासान और तुरान के जो गवर्नर्स थे, वो जहांगीर के अगेंस्ट खड़े हो गए। यानी उन्होंने कहा कि हम जहांगीर से फ़ाइट करेंगे कि इन्होंने मुजद्दिद अलिफ सानी को किस तरह से कैद किया है, और उन्होंने बेसिकली गवाबर पे हमला कर दिया। जब गवाबर पे वो हमला करते हैं तो उन्होंने वहाँ पे जहांगीर को शिकस्त दी, और जहांगीर को शिकस्त देने के बाद वहाँ से मुजद्दिद अलिफ सानी को उन्होंने आज़ाद करवाया। और महबूब खान ही वो बेसिकली मुजद्दिद अलिफ सानी को कहते हैं कि अब आप इंडिया की गद्दी आप संभालें और आप तख्त नशीन हों। लेकिन मुजद्दिद अलिफ सानी जो हैं वो ये कहते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन की खिदमत करना है, मेरा मकसद पावर पोजीशन में आना नहीं है। और उन्होंने ही रिक्वेस्ट की कि आप जहांगीर को रिहा कर दें, महबूब खान से ये रिक्वेस्ट की। और उनकी रिक्वेस्ट पे जब जहांगीर को आज़ाद किया गया तो जहांगीर को तब एहसास हुआ कि किस तरह से उनकी नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस जो हैं
وہ وجہ ہے مسلمانوں کے زوال کی، اور مجدد الف ثانی کے کارناموں جو ہیں وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس ریئلائزیشن کے بعد بیسیکلی جہانگیر نے فالو کرنا شروع کر دیا دین کی ٹیچنگز کو، اور وہ شیخ احمد سرہندی جو ہیں ان کے پریچر بھی بن گئے. اور ان تمام خدمات جو انہوں نے مجدد الف ثانی نے اپنی زندگی میں دین الہی کے دین اسلام کے لیے کی، اور دین الہی کو انہوں نے اپوز کیا، تو بے شک یہ اپنا ایک اسلامک ہسٹری میں، مسلمانوں کی ہسٹری میں ایک اپنا ایک اہمیت رکھتی ہیں. انہی اسی تمام جد و جہد کے دوران 1624 میں مجدد الف ثانی جو ہیں ان کا انتقال ہوا، اور ان کو سرہند میں بیسیکلی دفنایا گیا، اور اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی پڑا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے شیخ احمد سرہندی کے لائف، ان کی اس ٹائم پہ جو ٹائم میں مسلمانوں کا زوال تھا اس کی وجوہات کیا تھیں، اور مجدد الف ثانی کی کیا پریچنگز تھیں، ہم نے اس کی بات کی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوں.